तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये बारिश के बाद रोडों का क्या हाल हो जाता है। तो मैं अभी मारुति कुंज के अंदर हूँ और अभी थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, तो वहीं तक आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का क्या नज़ारा है पानी में। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी चला रहा हूँ, स्कूटी ऊपर हाथ करके ऐसे नीचे दिया गया। ये देखो 5 पे क्लिक कर लो। नाव बना के चल रहे हैं स्कूटी को। यहाँ पे राम मंदिर है, मारुतिकुंज का राम मंदिर। हो गया और ये तो कुछ नहीं था और पानी बहुत भरा हुआ है। असली चीज दिखाई देगा आपको, सबसे बड़ा नदी यमुना नदी। जानने वाला ये देखो यहाँ गाय भैंस भी है रोडों पे, वेट पता नहीं किस चीज। अरे निकलने दो, इसका दूध आएगा। देखो गाइस ये देखो ये नदी। अभी आगे और देखने के लिए मिलेगा आपको। देखो और आ रहा है गाइस देखो, ये पूरा रास्ता भरा होता है, अभी थोड़ा कम हो गया है पानी। ये देखो ये है सीढ़ी चौक यहाँ पे। ये देखिए जूता गीला हो रहा है। दिखाओ वीडियो में कोई बात नहीं। तो अभी हम एक चीज लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। यहाँ छोटू बेकर के पास आए हुए हैं।
और भी ज़्यादा पानी लगा बीकानेर के पास, तो आज क्या कर लो गिफ्ट लेना, गिफ्ट पहले लूँ कि बाद में कि आके आगे लेना था। तो कूद गया भाई आगे था, आगे और पानी यहीं पे सुबह गाय यहीं पे ट्रैफिक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो आगे देखिए सबसे बड़ा स्विमिंग पूल और नदी। अब यहाँ धीरे करके चलना पड़ेगा गाइस, नहीं तो छींटे पड़ेंगे। ये देखो ऐसा रोड गायब है बीच में से, पानी पानी है चारों तरफ गाइस, पानी पानी बस। ये जूस वाले भाई को देखो चप्पल जूते निकाल के चल रहे हैं। गाइस यहाँ बीकानेर पे समोसे ले लेते हैं, देखो गाइस ये मारुतिगंज का रोड है, अब इसी में से फिर जाएंगे स्कूटी चला के। कपड़ों का जूतों का एकदम हालत ख़राब हो रखा है, जूते तो पूरे गंदे हो गए। Yeah.